हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं मानवी ट्यूटोरियल और मैं हूं मंजू मुकेश वर्मा। जो मेरी आज की वीडियो है वो है समथिंग स्पेशल, क्योंकि आपको पता लग गया होगा कि ऑनलाइन काफ़ी सेल चल रही है। फ्लिपकार्ट पे सेल है, अमेज़ोन पे सेल है और ये कंटिन्यू दिवाली तक रहने वाली है। तो मुझे लगा क्योंकि क्यों ना फ्लिपकार्ट सेल चल रही है तो उसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए। काफ़ी की क्वेरीज आ रही थी कि प्लीज़ आप अपनी जो वीडियो है नेक्स्ट वीडियो वो कुछ शॉपिंग हॉल पे ही बनाएं, क्योंकि फ्लिपकार्ट से मैंने ली थी कुछ साड़ी जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह का उसका स्टफ़ है, किस तरह की आ रही है और कितने प्राइस में है। सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगी कि यार अगर आप ऑनलाइन कुछ मतलब क्लोथ के मामले में कुछ ले रहे हैं लाइक कुर्ती साड़ी या कुछ भी, तो प्लीज़ ज़्यादा कॉस्टली मत लें। मतलब 1000 की रेंज तक इनफ है, 1000 तक ही साड़ी अगर खरीदे, और अगर वैसे अगर आपको उससे ऊपर की रेंज की चाहिए तो आप मार्केट जाएं, अपनी पसंद की देखें, स्टफ़ चेक करें और फिर ही लें। तो सबसे पहले जो स्टार्ट करते हैं मेरी वीडियो, साड़ी से शुरू करना चाहूँगी। सबसे पहले मैं इस साड़ी से शुरू कर रही हूँ। ये सिल्क की साड़ी है, मैंने मंगवाई थी ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से, और ये मंगवाई थी मैंने समथिंग 1100 की। काफ़ी अच्छी साड़ी है, काफ़ी प्यारी साड़ी है। आजकल जो सिल्क की साड़ियां हैं काफ़ी ट्रेंड में है, तो मैंने ये मंगवाई थी। काफ़ी अच्छी है, इसके साथ कुछ भी नहीं मिला था। मतलब इनकी जो हम ऑनलाइन साड़ी मंगवाते हैं उसके साथ पेटीकोट अलग से लेना पड़ेगा, आपको फॉल वगैरह अलग से लेनी पड़ेगी। वैसे तो मार्केट से भी लेना पड़ता है, बट फिर आप पहले तो ऑनलाइन कुछ मंगवा रहे हो और फिर उसकी एक्सेसरी के लिए आप स्पेशल मार्केट जा रहे हैं तो थोड़ा सा अलग सा लगता है। तो मैं आपसे दिखाना चाहूँगी इस तरह की कुछ साड़ी है, काफ़ी अच्छी है। ये इसका बॉर्डर लुक है जो कि नीचे आएगा, और जो इसका पल्लू का डिज़ाइन है वो है समथिंग कुछ इस तरह का इसका पल्लू है। जो ये डिज़ाइन है ये पल्लू पर आ जाएगा। मतलब मेरे को काफ़ी अच्छी लगी थी, काफ़ी प्यारा कलर है और मुझे लग रहा है ये सब पे सूट करने वाला है। और जो ये ब्लाउज़ मैंने पहना हुआ है वो इसी का ब्लाउज़ है, आप देख रहे होंगे, क्योंकि ये इस साड़ी के साथ भी मैच कर रहा था, इसके साथ भी, और दो साड़ियाँ और उसके साथ ही मैच कर रहा था। मैं ज़्यादा ब्लाउज़ सिलवाना प्रेफर नहीं करती हूँ क्योंकि कभी कभी पहननी होती है, ऐसा कुछ नहीं, आजकल सब कुछ मिक्स एंड मैच चलता है। तो ये थी मेरी फर्स्ट साड़ी, और उसके बाद ये है सेकेंड साड़ी जो कि मैंने स्पेशल ली थी केरला लुक के लिए। जो मतलब केरल साइड में अगर आप देखेंगे तो उस साइड में इस तरह की साड़ियाँ पहनना बहुत पसंद करते हैं। ये यार बिल्कुल वाइट कलर है, जब मैंने मंगवाई थी तो सभी कह रहे थे कि ये क्या कलर मंगवाया, बट आप लोग देखोगे तो वो अपनी मैरिज में भी यही कलर पहनते हैं। काफ़ी अच्छा है, मैंने ये साड़ी एक बार पहनी हुई है। मैं इन सब साड़ियों की जो आपके पिक्स बाद में लास्ट में या फिर कहीं भी साइड में शेयर कर दूँगी। काफ़ी अच्छी है ये साड़ी, इसका स्टफ़ बिल्कुल कॉटन है, मुझे लगता है जिस तरह की वो पहनते हैं कुछ इसी तरह की, और गोल्डन कलर का इसका बॉर्डर है। काफ़ी अच्छा है ये, काफ़ी प्यारा है, मेरे को काफ़ी पसंद आया था, और ये पहनने बाद भी इतना प्यारा लुक देती है कि बहुत ही प्यारा। अभी वैसे तो अपने ओनम वगैरह अपने फेस्टिवल नहीं है, बट मैं हर चीज़ को इंजॉय करना पसंद करती हूँ, इसलिए मैंने सोचा है कि अब की बार जब ओनम पे मैं यही साड़ी पहनूंगी, ओनम पे ये साड़ी पहन के। और अगर आप सांभर डोसा सांभर खाना पसंद करते हैं तो उसके तो कुछ अलग ही है। ओके, जो नेक्स्ट साड़ी है ये वैसे तो अच्छी है साड़ी, काफ़ी मतलब बिल्कुल ही सिंपल सी साड़ी है। ये मैंने 500 समथिंग की मंगवाई थी ऑनलाइन, इस तरह की साड़ी है ये पूरी, और इसका भी कलर काफ़ी अच्छा है। बट ये जो मैंने पिक्चर में देखा था वो सेम कलर नहीं आया, पर फिर भी मैंने रख लिया इसको। मैंने कहा यार 500 में क्या है, लास्ट जो दिवाली थी उस पर मैंने इसको पहना था, पर ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। और इसका जो पल्लू का डिज़ाइन है ये काफ़ी अच्छा है कुछ इस तरह से, और पहनने के बाद काफ़ी अच्छा लुक देता है। बट इसके अंदर मैं सिर्फ इसी वजह से डिसअपॉइंटेड थी क्योंकि जो मैंने कलर मंगवाया था वो ये सेम कलर नहीं आया था। बट ऑल टोटल साड़ी अच्छी है, मैंने पहनी है, काफ़ी सूट भी है, कलर भी काफ़ी सूट करता है, अच्छा कलर है। और 500 में तो यार इससे ज़्यादा क्या आएगा, कुछ भी नहीं। इसका ब्लाउज़ भी बल्कि मैंने नहीं सिलवाया था, मेरे पास एक साड़ी थी उसका गोल्डन कलर का ब्लाउज़ था, तो वही मैंने इसके अंदर मिक्स एंड मैच करके पहना था। और 500 में इतना दे रहे हैं तो इनफ है, इससे कुछ ज़्यादा तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, जो इसके बाद जो मेरी फोर्थ
साड़ी है वो है कुछ ये वाली, ये भी काफ़ी प्यारी साड़ी है, सिल्क है। ये काफ़ी मुझे लग रहा है कि मैंने काफ़ी कलर सेम सेम मंगवा लिए। ये कुछ इस तरह है, एलिफेंट का इसके अंदर डिज़ाइन है और जो इसका स्टफ़ है कुछ ये है सिल्क टाइप में, मतलब बिल्कुल हैवी सिल्क नहीं है बट अच्छा है। इसके इसका साथ का जो ब्लाउज़ है मैंने इस यही वाला बनवाया है और बिल्कुल स्लीवलेस बनाया है, बहुत ही अच्छा लग रहा था। इसकी भी पिक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी कहीं भी साइड में। और जो इसका पल्लू है वो भी काफ़ी अच्छा है, इस तरह का इसका पल्लू है, ये वाला है इसका पल्लू, काफ़ी अच्छा है। मतलब ये भी 500 की थी, ये वाली और ये वाली साड़ी मैंने इकट्ठी ही मंगवाई थी, उस टाइम पे भी शायद कुछ ऑफर ही चल रहा था, नहीं तो यार 500 में ऐसा सिल्क भी दे रहा है बंदा, सब कुछ अच्छा है तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। जो ये ऑनलाइन हम साड़ी मंगवाते हैं जो इनका मेरे ख्याल में ये 6-6 मीटर की होती है इनकी, जो भी लंबाई लगा लो 6 मीटर की होती है, इनफ होती है, काफ़ी बढ़िया है, मेरे को तो काफ़ी अच्छी लगी। और इसके बाद है ये 5th नंबर की साड़ी, ये तो बहुत ही प्यारी है, मुझे काफ़ी अच्छी लगती है और रेड कलर का तो कहना ही क्या है। ये भी मैं इस बार नवरात्रों में किसी एक दिन में पहनने वाली हूँ। काफ़ी सिंपल है, जस्ट जॉर्जेट का, ये बिल्कुल जॉर्जेट का कपड़ा है पर ये पहनने के बाद बहुत ही प्यारा लगता है। और इसके साथ में जो लेस लगी हुई है ये है गोल्डन और ब्लैक, और जो ब्लैक जो गोल्डन करके लेस है काफ़ी फैब्रिक बहुत ही प्यारा है, साटन सिल्क, साटन तो नहीं इसको, मतलब बिल्कुल प्यारा सॉफ्ट स्टफ होता है जो मलमल टाइप का सा वैसा है कुछ। और ये काफ़ी प्यारी है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, मैं इसको एक बार पहन भी चुकी हूँ। ये सारी साड़ियाँ मैंने एक बार पहन ली है, जस्ट आज आपके साथ शेयर करने के लिए मैंने ये निकाली थी। काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छा लुक देती है। और ये तो जस्ट मे बी 400 की साड़ी है, इसके साथ मैंने पेटीकोट अलग से लिया था और जो इसका ब्लाउज़ है वो मैंने सेम यही स्टिच करवाया है, ब्लाउज भी सेम है मे बी, हाँ रेड ही कलर का है, उसके ऊपर सेम स्लीव पे ये ब्लैक और गोल्डन कलर की लेस लगी हुई है। ओके, ये थी साड़ियाँ जो मैंने ऑनलाइन मंगवाई हैं, बट जो सबसे लास्ट में जो इनसे भी बाद में जो मैंने साड़ी मंगवाई है वो ये है जो फ़िलहाल मैंने अभी पहनी हुई है, काफ़ी अच्छी लग रही है मेरे को ये भी, मैं इसको भी सेकंड टाइम पहन रही हूँ, काफ़ी अच्छी है ये। इस तरह का इसमें कुछ घेर है, घेर मतलब पल्लू, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ठीक है। और जो ये कपड़ा है काफ़ी मतलब इस तरह का कपड़ा है कि जैसे अरगंडी टाइप का कपड़ा होता है, बिल्कुल स्टिफ सा। मैं इतनी परफेक्ट नहीं हूँ साड़ी बांधने में बट फिर भी काम चला लेती हूँ, तो अगर कोई बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल अच्छे से साड़ी बांधने आती है वो इसको आराम से एडजस्ट करके रख सकता है, बट मेरे बस की बात नहीं है, मैं इसको 1 घंटे या 2 घंटे से ज़्यादा नहीं बांध सकती। तो ओके, ये था मेरा साड़ी हॉल, और प्लीज़ कमेंट में बताना कि आपको कैसा लगा। अगर आप अभी कुछ भी फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करने की सोच रहे हैं तो अभी बिल्कुल सेल चल रही है, मतलब 50% 80% तक डिस्काउंट चल रहा है, और उसके बाद अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो उस पर 10% या 5% ऑफ और चल रहा है। मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए कुछ सरप्राइज़ ही कुछ ऑर्डर किया हुआ है बट अभी तक आया नहीं है, बट वो मेरे को बता रहे थे कि उन्होंने ऑर्डर किया है, जैसे ही मेरा वो सरप्राइज़ आ जाएगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी, मे बी नेक्स्ट वीडियो वही बन जाए। तो ओके, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, और ओके, जय माता।